हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे बहुत ही चटाकेदार शादियों वाले छोले। छोले बनाने के लिए यहाँ पे मैंने 250 ग्राम चने को 7-8 घंटे पहले भिगो के रख दिया था। 7-8 घंटे बाद मैं इसको एक कुकर में ले रही हूँ। चने उबालने के लिए इसमें मैंने 2 ग्लास पानी डाल दिया है। जब हम छोले बनाते हैं तो सोचते हैं हम क्या डालें कि छोले में बहुत ही अच्छा कलर आए। छोले में अच्छा कलर लाने के लिए हम इसमें डालेंगे चाय पत्ती वाला पानी। चाय पत्ती वाला पानी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 1 ग्लास पानी में 2 चम्मच चाय पत्ती डाल के उसे उबाल लूँगी। देखिए यहाँ पे मैं 2 चम्मच चाय पत्ती ले रही हूँ, इसे मैं उबाल लूँगी। अब उसका जो पानी आएगा चाय पत्ती वाला, उसे मैं कुकर में छान लूँगी, फिर चने को बॉयल करूँगी। ऐसा करने से छोले में बहुत ही अच्छा कलर आता है, देखने में बहुत सुंदर लगता है और टेस्ट भी अच्छा आता है। अब हम कुकर का कैप लगा के 5-6 सीटी लगाएंगे मीडियम फ्लेम पे। यहाँ पे मैंने लिया है 2 मीडियम साइज के टमाटर का प्यूरी, 4 मीडियम साइज के प्याज का प्यूरी, 4 हरी मिर्च को मैंने बीच से कट लगा लिया है, 1 गांठ लहसुन लिया है और 1 इंच अदरक के टुकड़ों को मैंने ऐसे काट लिया है। इसको मैं दरदरा कूटूंगी। आपके पास पेस्ट हो तो आप पेस्ट का भी इस्तेमाल करें। यहाँ पे छोले में मसाले डालने के लिए मैं तैयार कर रही हूँ 1 चम्मच में लाल मिर्ची पाउडर, 2 चम्मच छोले पाउडर, 1 चम्मच जीरा पाउडर डाल रही हूँ मैं, और इसी में साथ साथ में हम हल्दी पाउडर भी डाल लेंगे। 1 चम्मच हल्दी पाउडर भी मैं ऐड कर ले रही हूँ। हमारा छोले का मसाला रेडी है। देखिए इसमें थोड़ा सा पानी डाल के हम पेस्ट बना लेंगे। देखिए मैं पानी डाल के पेस्ट बना ले रही हूँ। देखिए चने हमारे बॉयल हो गए हैं, देखिए कितना अच्छा कलर आया है और चने अच्छे से पक भी गए हैं। देखिए एकदम अच्छे से मैश हो जा रहा है चना हमारा। देखिए अब गैस का फ्लेम ऑन करके एक कढ़ाई में मैंने 4 चम्मच ऑयल डाला है। ऑयल जब अच्छा गर्म हो जाएगा तो हम इसमें कुछ खड़े मसाले डालेंगे। खड़े गरम मसाले डालने से छोले का स्वाद बहुत ही अच्छा आता है। यहाँ पे मैं डाल रही हूँ, ऑयल हमारा अच्छा गरम हो गया है। यहाँ पे मैं 2 तेज पत्ते डाल रही हूँ, 1 दालचीनी का टुकड़ा, छोटी इलायची मैंने डाला है, 1 कर्णफूल, जो फ्लावर जैसा मसाला आता है उसको कर्णफूल बोलते हैं। अब इसमें गोल मिर्च और लौंग भी डाल देंगे, 5-6 की संख्या में डाल देंगे। जब हमारा गरम मसाला अच्छे से भूनता है तो एक बहुत ही प्यारी सी खुशबू आती है। 1-2 मिनट इसे भूनेंगे। 2 मिनट भून लेने के बाद इसमें हमने जो प्याज का प्यूरी बना के रखा था, सबसे पहले प्याज की प्यूरी को ऐड करेंगे। देखिए प्याज की प्यूरी को मैंने डाल दिया है। अब इसे 4-5 मिनट तक प्याज की प्यूरी को हम भूनेंगे। प्याज की भुनाई अच्छे से होनी चाहिए, नहीं तो एक मसालों में कच्चापन सा रह जाता है। इसी में हम ऐड कर देंगे जो हमने लहसुन अदरक का पेस्ट बना के रखा था, उसको ऐड कर देंगे। 4-5 मिनट जब हम प्याज को भून लेंगे तो इसमें हम ऐड कर देंगे मसाले, जो हमने मसालों का पेस्ट बना के रखा था उसे ऐड करेंगे। देखिए यहाँ पे मसालों को मैंने ऐड कर लिया है और इसे चलाते हुए मिक्स कर लेंगे और 3-4 मिनट फिर इसे ऐसे ही भूनेंगे। 3-4 मिनट तक भूनने के बाद देखिए मसालों में एक अच्छा सा कलर आ जाएगा। यहाँ पे मैं इसमें थोड़ा सा पानी डाल रही हूँ, 2-3 चम्मच के आसपास पानी डाल रही हूँ मैं, ताकि मसाले नीचे चिपके ना। देखिए मसालों में कितना अच्छा कलर आ गया है, मसालों की भुनाई लगभग हो गई है। अब इसमें हम ऐड कर देंगे जो हमने टमाटर की प्यूरी बना के रखा था। देखिए अब टमाटर की प्यूरी को भी मसालों के साथ मिक्स करके 4-5 मिनट इसे भी पकाएंगे। देखिए टमाटर मसालों की अच्छे से भुनाई हो गई है। अब इसमें मैं ऐड करूंगी सॉल्ट। सॉल्ट टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें, जैसा आप नमक खाना पसंद करते हैं वैसा नमक डालें। फिर इसे मिक्स कर लेंगे। अब इसमें मैं डाल रही हूँ पानी। सारे मसाले अच्छे से पक चुके हैं। अब इसमें हमने जो बॉयल्ड चने रखे थे उसे ऐड कर देंगे और इसे चला लेंगे एक बार। देखिए
बहुत ही अच्छा कलर आएगा और बहुत ही अमेजिंग टेस्ट आएगा अगर आप ऐसे बनाते हैं छोले। तो आप देख सकते हैं अब इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है, एक बार इसे ढकेंगे और 5 मिनट तक इसे ढक के छोड़ेंगे पकने के लिए ताकि मसालों के साथ छोले अच्छे से सेट हो जाए। इसके बाद गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे। यहाँ पे मैं आपको सर्व करके दिखा रही हूँ, देखिए कितना अच्छा हमारा छोला बना हुआ है, इसका कलर भी बहुत अच्छा आया है। अगर आपको छोले की रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, कमेंट करके बताएं कि रेसिपी आपको कैसी लगी। मिलती हूँ एक नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू, बाय।